मालेगाव न्यूज। मालदार शिवारचे काही मुस्लिम बांधव आपल्या संघ आहे, त्याबद्दल त्यांचं म्हणणं काय आहे आपण जाणून घेऊ। की पश्चिम भागामध्ये दादा भुसेंना विरोध होतो आहे की दादा भुसे काम कर रहा नहीं, ये कर रहा नहीं, तर आमच्या संघ काही मुस्लिम माता बहिणी आहे त्यांच्या संघ आपण बात करणार आहे। सावधान मालेगाव बोलो मतलब 100 लोग आए, 100 लोग आए हुए। तो तुम्हारी क्या क्या समस्या है? हम सावधान इंडिया के सावधान के हिसाब से हम दादा भुसे साहब तक पहुँच करेंगे। तुम्हारी क्या समस्या है बोलो? गटर की बहुत ज्यादा तकलीफ है, रोड बन गई है पूरी, हम लोग की कॉलोनी में पानी आ रहा है। कितने साल से आ रहा है? ये अभी 2 साल हो गए। अभी ये तुम कार्यक्रम को आए, तुमको कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। भुसे साहब अच्छा काम कर रहे मालेगांव के अंदर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, बाकी हमारे उधर भी गली में आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आप मालदा सिवार से आए हुए? आप मालदा सिवार से? मालदा सिवार से आए हैं सर। बाहर आ जाता कहीं हो जाता, बस्ती में बहुत गान है, बहुत मच्छर है। तो कॉर्पोरेशन की गाड़ी आती नहीं आपके पास? नहीं, कचरा भी फेंकने की बहुत तकलीफ है, कचरा नहीं देते। इधर आओ, इधर आओ। कॉर्पोरेशन साफ सफाई वाली घरों पे हमारे एक बार गाड़ी आती, उसके बाद पूरा गांव का कचरा गटर में रहता, गटर भी साफ होती नहीं, तो वो कचरे वाले भी आते नहीं, तो लोग भी क्या करेंगे, कचरा खा लिया के कचरा भी फेंको भैया। तो अपने घरों पे आ जाते झगड़ा करने के वास्ते। 15 दिन में एक बार। अभी तुम मालदा शिवार से, तुमको कार्यक्रम कैसा लगा? अच्छा लगा। तो तुम्हारी इच्छा क्या है दादा भुसे साहब ने फिर से अच्छे काम करने वाला? अच्छे काम करना हमारी गली के हमारा दिल बहुत खुश होता है। बाकी दादा साहब हमारे तरफ भी आ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी तुम सुबह कितने बजे आए यहाँ पे? हम लोग 10 बजे यहाँ आके एकदम फिक्स। खाना पानी सब हो गया? सब अच्छा। कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं है ना? तुम्ही बघू शकता मालदा शिवारातून संपूर्ण मुस्लिम बांधव शेत दीडशे कार्यकर्ते आलेले आणि त्यांची काही समस्या आपण सावधान मालेगाव जाऊन घेतो। भाई अलकामा आपकी बाजू वाली बारीक गल्ली एरिया का ना? एरिया मालदा शिवारी पूरा।